जलेबी चौक से नेताजी सुभाष चौक कैंप वन पहुंच मार्ग पूरी तरह से जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो गया है। निगम प्रशासन ने गड्ढों को भरने जीरा गिट्टी बिछाई है, जिससे वाहनों के गुजरने से उड़ती धूल से स्थानीय दुकानदार और रहवासी लंबे समय से परेशान है। जलेबी चौक से नेताजी सुभाष चौक कैंप वन पहुंच मार्ग के संधारण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कई बार नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, लेकिन संधारण के नाम पर इन्हें केवल आश्वासन ही मिलता आया है। जलेबी चौक से नेताजी सुभाष चौक तक सड़क जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर दुपहिया वाहन चालक आए दिन वाहनों से असंतुलित होकर गिरते हैं। गड्ढों को भरने जीरा गिट्टी बिछाई गई है, जिससे उड़ती धूल से स्थानीय व्यापारी और रहवासी सुबह से रात तक परेशान रहते हैं। प्रदूषण से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। बावजूद इसके सड़क संधारण को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, यह सड़क जो है काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जर्जर और इसमें गड्ढे हो चुके हैं। इस गड्ढे को पाटने के लिए नगर प्रशासन द्वारा इसमें जीरा गिट्टी डाला गया, जो काफ़ी रोड बनाया जाए जो है काफ़ी मुसीबत का कारण बना हुआ। जीरा गिट्टी डालने के कारण गड्ढे के ऊपर गाड़ियों के चलने के कारण जीरा गिट्टी जो है गड्ढे के बाहर निकल के आ गए, गड्ढे के बाहर निकल के आ गए, गाड़ियों का जाना आना लगा रहता है, जिससे धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, जो काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है, जिससे लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। इसकी शिकायत अनेकों लोगों द्वारा, मेरे अलावा और भी लोगों द्वारा इसका शिकायत किया कर, परंतु अभी तक इसका कोई भी इसका मतलब निराकरण नहीं निकला। इसके बाद हमने फिर अभी कलेक्टर साहब को हमने इसको ज्ञापन सौंपा है। हम चाहते हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये जीरा गिट्टी ये जो है पहले साफ किया जाए और इसका रोड का मतलब नए सिरे से इसको बनाया जाए। धूल के कारण पूरे दुकानों में धूल की इतनी मोटी मोटी परतें जम जा रही, लोग इस धूल के कारण दुकान के सामने बड़ी बड़ी झिल्ली लगाकर धूल से बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं शासन और प्रशासन से जल्द इस हमारे समस्या का निराकरण निकाला जाए। पर ये कई वर्षों से रोड का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे लोग आते जाते हमेशा गिरते हैं, यहाँ पे कई लोग को यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया है और दुकानों को तो बुरा हाल हो गया। हम लोग का बकायदा बिल्कुल प्लास्टिक लगा के रखना पड़ता है, धूल भर जाती है, हर दूसरे दिन इतनी धूल भर जाती है पूछो मत, पॉल्यूशन भी बहुत फैल रहा है। हम लोग तो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स सर्च टैक्स दे रहे हैं सर, निगम का हमने कई बार यहाँ पे बोला हुआ है पर इसका कोई सुनवाई नहीं है इसका। तो कृपया करके जो भी इससे अथॉरिटी है इसकी, इसमें ध्यान दें और इसको नया रोड बनाएं। यहाँ नालियों का भी बहुत टूटा है, नाली भरी पड़ी हैं, बस बजा रही हैं, वो आते हैं सफाई कर्मचारी दो चार साफ करके चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा उसका, पूरा पानी रोड में भरा रहता है, थोड़ी बरसात होती है पूरा एक फुट पानी भर जाता है रोड में। जलेबी चौक से लेकर सुभाष चौक तक रोड इतनी जर्जर खराब है, जो यहाँ के बुजुर्ग लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। अब कई बार इसकी सूचना नगर ने हमको पार्षद को या विधायक को दी गई है, मगर इसके उपरांत भी किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो पाया है। अतः अभी भी नगर निगम कर्मचारी से ये अनुरोध है, विधायक पार्षद जो भी हैं इस मोहल्ले के जवाबदार, इस सड़क के जवाबदार, उनसे अनुरोध है कि सड़क को बनाए। नहीं बनाने से ये सिर्फ दमक का शिकार हो रहा है, अलग नाली में अलग नलक, अरे धूल प्रदूषण से मैंने प्रदूषण इतना ज़्यादा है, घर घर दुकानों में धूल जो भर रही है। बहरहाल स्थानीय लोगों की परेशानियों के मद्देनज़र नगर निगम प्रशासन को इस दिशा में पहल किए जाने की ज़रूरत है, ताकि आवागमन सामान्य होने के साथ ही लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।